ओम शांति। आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल सी द सुधा ट्रुथ लाइज विद इन में। और अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे सोल विद इन के आज के श्री वरदान की, जहाँ पे परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम पवित्रता के संकल्पों को और बढ़ाते जाएं, क्योंकि परमपिता परमात्मा स्वयं ही पवित्रता के संकल्पों के रचयिता या सागर हैं। तो अगर हम उनके बच्चे हैं, अगर हम उनको अपना पिता कहते हैं, तो हमारे संकल्प भी पवित्र होने चाहिए, ताकि परमपिता परमात्मा ही हमारी सेफ्टी, हमारी प्रोटेक्शन कर पाए। तो देखें बाबा कहते क्या हैं। बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा, घेराव में क्या होता है, प्रोटेक्शन महसूस होती है, सदा छत्र छाया की अनुभूति करने, किसके छत्र छाया, परमात्मा की, कराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। विस्तार में चलते हैं। आपका एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है, अपने लिए तो कर ही सकता है, औरों के लिए भी कर सकता है। शुद्ध संकल्पों का बंधन व घेराव कमजोर आत्माओं के लिए छत्र छाया बन, सेफ्टी का साधन व किला बन जाता है। सिर्फ इसके अभ्यास में पहले युद्ध चलती है। तो जैसे किला होता है, किले के परिवार होता है, अगर आपकी वॉल्स अगर आप स्ट्रांग नहीं होंगी, या अगर आपके दरवाजे स्ट्रांग नहीं होंगे, तो जो वार होगा वो सहन नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से पूरी दुनिया कलयुग है, कलयुग में अशुद्धता बहुत ज़्यादा है, अपवित्रता बहुत ज़्यादा है, सोचाई में भी है, बोल में भी है ना, देखने में भी आती है। अगर आप न्यूज़ खोल देते हैं, टीवी चैनल खोलते हैं, तो उसमें भी सब कुछ क्या दिखाते हैं, मेजॉरिटी अपवित्रता दिखाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, तो घेराव कैसे करना है आपको, आपको प्योर थॉट्स का घेराव करना है, ताकि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में रहे एंड आपकी लाइफ दुनियावी अनुसार से ना चले, कि आपको किसी चीज़ की, किसी की बात आपको अगर असर कर गई, तो वो बात ही आपका जीवन बन जाएगी, आपका प्रेजेंट बन जाएगी। फिर बाबा कहते हैं, सिर्फ इसके अभ्यास में पहले युद्ध चलती है। क्यों? संस्कार बने हुए, हैबिट्स बनी हुई हमारी, पुराने इम्प्योर थॉट्स की पास में चले जाने की, मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, वो लोग तो मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, मैं लकी नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, तो हम बहुत सारे बहाने मारते हैं अपने जीवन में। परमात्मा कहते हैं, वो आपको और ही नीचे गिराते हैं, लेकिन पवित्र संकल्प का घेराव करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में क्या होगा, युद्ध होगा। मेडिटेशन जो हम सीखते हैं, उसमें भी हम यही सीखते हैं, अंदर युद्ध करना सीखते हैं, अपवित्र संकल्प का पवित्र के साथ। लेकिन उसके लिए ज्ञान तो होना पड़ेगा ना, कि पवित्र संकल्प होते क्या हैं, और मेरे मन में अभी तक क्या अपवित्र संकल्प चल रहे हैं, क्या उसका भी ज्ञान है हमें, वो हम कैसे हम कर पाएंगे। डायग्नोज जिसको कहा जाता है, कि आपके अंदर इम्प्योर थॉट्स चल रहे हैं, उसके लिए विद्या लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि 7 डेज के कोर्स में सिखाया जाता है। तो अपवित्र संकल्पों का और पवित्र संकल्प का स्टार्टिंग में युद्ध चलेगा। प्योर थॉट्स मतलब शांति है, इम्प्योर थॉट्स अशांति है। फिर बाबा कहते हैं, व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों को कट करते हैं। व्यर्थ संकल्प मतलब वेस्ट थॉट्स जो हैं आपके, वो शुद्ध संकल्पों को कट करते हैं, ये युद्ध चलेगा। लेकिन यदि दृढ़ संकल्प करो, तो आपका साथी स्वयं बाप है, कि नहीं मुझे पवित्र संकल्प करने ही करने चाहिए, दुनिया इधर की उधर हो जाए। विजय का तिलक सदा है ही, सिर्फ इसको इमर्ज करो, तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगा। ये प्योर थॉट पावरफुल थॉट है, दृढ़ता भी क्या है, पवित्र संकल्प है। इसको इमर्ज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो युद्ध चलती है, वो आस्ते आस्ते हमारे प्रति विजय का नगाड़ा बजाना शुरू करेगी। ये भी हम मेडिटेशन में कर सकते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स हम बोलते रहते हैं, लेकिन अगर हम अपने साथ प्योर थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स बोलेंगे, पवित्र थॉट्स बोलेंगे, तो सॉल्यूशंस कहीं ना कहीं से निकल करके ही आएंगे। लेकिन अगर हमने नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया, तो जो सामने हमारा जो सॉल्यूशन पड़ा होगा, वो भी जो नाक के नीचे बोलते हैं ना, नाक के नीचे चीज़ पड़ी हुई थी लेकिन दिखाई नहीं दी, वैसी अवस्था बन जाती है। तो इसलिए पवित्र संकल्प करना बहुत ज़रूरी है। आज का ये श्री वरदान, और आप इसको और विद्या और गहराई से समझना चाहते हैं इस विद्या को, तो आप ब्रह्म कुमारीज के गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी या किसी भी आप सेंटर में जा करके ब्रह्म कुमारीज के सीख सकते हैं इस विद्या को। इसी के साथ
ओम शांति।